आपका मिट्टी कितना भी फर्टाइल हो, कभी कभी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगी कौन सी फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रीडिंग हार्ट पौधा के लिए और बाकी फ्लावरिंग पौधों के लिए। ये जो फूल देख रहे हैं, ये सभी फूल मेरे बागीचे की है। अलग अलग सीजन पे अलग अलग फूल खिले हैं। मैं 20 लीटर के बाल्टी में 20 ग्राम अंदाजन सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल रही हूँ। मैक्सिमम 25 ग्राम ले सकते हैं। इस पानी में 4 फर्टिलाइजर डालेंगे। सभी को घोल के हम पौधों पर डालेंगे। आज तक कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। कुछ छोटी छोटी टिप्स बता दूंगी, बस आप वीडियो स्किप मत कीजिए। अब दूसरा ये है, 20 ग्राम पोटैश ऐड करूंगी जो कि फ्लावरिंग में मदद करता है। तो ये गया पोटैश। अब तीसरी फर्टिलाइजर NPK 19-19-19, ये भी अंदाजन 20 ग्राम डालना है। पिछले साल खरीदे थे, NPK गल चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो इसे मैं अंदाजन 20 ग्राम लिक्विड अभी डाल रही हूँ। अब चौथी फर्टिलाइजर है मैग्नीशियम सॉल्ट। इन सब को आधा घंटा पानी में डिसॉल्व होने दीजिए, फिर अच्छी तरह घोल के हम इस्तेमाल करेंगे। अब चौथी फर्टिलाइजर है मैग्नीशियम सॉल्ट, इसे एप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है। ये भी 20 ग्राम लेंगे। डोंट यूज योर बेयर हैंड्स फॉर एनी केमिकल फर्टिलाइजर। वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूज। अब हम आधा घंटा इंतजार करेंगे। इन सब को गलने दीजिए। तो दोस्तों, ये मिक्सचर जो बना है, हम इसे किसी भी पौधे पर दे सकते हैं, पर हाफ मग से कम देंगे। हाइड्रेंजिया और ब्रीडिंग हार्ट 6 इंच के पॉट्स हैं। हाफ मग 3 पॉट्स पर डालेंगे। और अगर पौधा बड़ी हो, 12 इंच के गमले पे हो, तो हाफ मग डाल सकते हैं। ये 20 लीटर मिक्सचर मैं 40-50 पॉट्स पर डालूंगी अंदाजन। तो यहाँ पर कुछ नॉन फ्लावरिंग पौधे भी हैं, ऑक्सलिस ट्राइंगुलरिस, मरांटा, पेंडनस, फाइलोडेंड्रॉन कैलाडियम, तो थोड़ी थोड़ी इन पे भी डालेंगे। पहला टिप, हम ये फर्टिलाइजर बिल्कुल ड्राई सॉइल पे नहीं डालेंगे। ड्राई पॉट सॉइल पे पौधा झट से केमिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कभी कभी पौधे जल जाते हैं। कोशिश करेंगे मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट रहे। दूसरी टिप, हम एक प्लीजेंट दिन चुनेंगे, पौधों को फर्टिलाइजर डालेंगे। तीसरी टिप, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा देंगे तो जल्दी फूल खिलेंगे, उन्हें हम उनके मात्रा पर डालना पड़ता है। चौथी टिप, दो फर्टिलाइज़र देने में हम 10 दिन के अंतराल ज़रूर रखेंगे। पांचवी टिप, कोशिश कीजिए फर्टिलाइज़र डालने के बाद पौधा कड़ी धूप पर ना हो। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस किया है क्या? मैंने DAP इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि DAP गुड़हल के पौधों पर हम नहीं देते। वैसे तो लिक्विड सरसों खली बहुत बहुत डाइल्यूट करके सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। ये है हमारे चाय के पत्ती जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तो हमारे यहाँ चाय के पत्ती ऐसे बड़े बड़े पत्तों में मिलते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग टी ऐसे ही होता है, फ्लेवर्ड दार्जिलिंग टी। इनको हम धूप में अच्छी तरह सुखाएंगे, फिर इनको डस्ट बना के हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ हम जो फ्रूट्स खाते हैं, उनके छिलके बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। यहाँ मैंने केले के छिलके भी सुखा रखे हैं, रिच इन फॉस्फोरस। मौसम्बी, संतरे, इनके छिलके, तरबूज, पपीता, कोई भी फल हम ऐसे पानी में भिगो के रखेंगे 3 या 4 दिन। फिर ये पानी डाइल्यूट करके पौधों पे डालेंगे। बिल्कुल रॉ नहीं डालेंगे, बल्कि 3 गुना बना के पौधों पे देंगे। अब पांचवी टिप, हम ये ऑर्गेनिक मिक्सचर किसी मॉडरेट टेम्परेचर वाले दिन पे डालेंगे और पॉट सॉइल ड्राई होनी चाहिए, वरना फंगस अटैक होने का चांसेस रहता है। मैं हर एक वीडियो पे बताती हूँ कि लिक्विड सरसों खली हमेशा ड्राई सॉइल पे डालिए, फिर दूसरे दिन मिट्टी की गुड़ाई कीजिए।
तो दोस्तों, आपको भी अगर ऐसे फूल चाहिए ब्लीडिंग हार्ट के पौधे पर, तो जो फर्टिलाइजर दिखाए हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए, मेरे ब्लीडिंग हार्ट पौधों को फर्टिलाइजर करना नहीं पड़ता, मेरे शहर का वेदर ही इनके लिए फर्टिलाइजर है। गुड़हल, गुलाब, गार्डेनिया, एडेनियम, बोगेनविला और जैस्मिन, इन सबको मैं फर्टिलाइजर डालती हूँ, पर ब्लीडिंग हार्ट को साल में 2 बार बस। एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगले एपिसोड सरप्राइज ले आएंगे, जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन क्लिक कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड, बाय बाय।